ये हाशमी मियां साहब के वाले साहब की किताब है, फर्श पर अर्श। ये नारा हक सब यार है या हक चार यार है, ये नारे बिदत है बाद के, लेकिन नारा हैदरी सुनते रसूल है। साठ बरस लगा करके इन्होंने नारे हैदरी को बंद किया। अब कहते हैं नारा हैदरी से कौन रोक सकता है यार, कल तक तो तुम ही रोकते रहे हो। असल में जो वो रिसाला है ना मेरा नारा हैदरी, उसने ऐसी जर्ब मारी है कि सब हथियार डाल के पहला राउंड तो उसने मारा, रोकते रहे कि हमारे पास चीज है के लिए। तो कहते हैं अब हैदरी नारा मारने की क्या जो है चार यार में हजरत हैदरी करार नहीं आए, लेकिन ये बताता हूँ कि ये पुराना नारा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से मांगा है, सबूत कर सकता हूँ। मैं आपका बात खामोश के सुन ली, खामोश मुझे चांस देने के लिए धन्यवाद। हाँ जी, वो आयत के तहत लिखा है कि जिस वक्त जनाबे हैदर करार अखाड़े में उतरे हुए हैं, नजवाए अखसाब हैं और खंदकें खुदी हुई हैं और दूसरी तरफ से दुश्मन आ रहे हैं, घोड़ों को खुदा करके अंदर दाखिल करना चाहते हैं। एक शहसवार ने अपने घोड़े को मेमेज लगाई कि वो जंप करके खंदक को पार करे, वो पार न कर सका और वो खंदक के अंदर गिर गया। तो जनाब हैदर करा केज की कुश्ती पहली हैदर पे हैदर करा नारे जने नारे किए अरी महाराज नारे द्वारे बेने लगने के साथ हाँ पीछे ही कूद गए जनाबे हैदर करार, उसको जाके उठाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई के लिए आया हूँ। होशियार हो गया कि गिरे हुए को मारा नहीं, मारी तेरी शिरास को, केस की कुश्ती है ना, अभी के साथ कोई है ना उसके साथ कोई है। अब जनाब आमने सामने हुआ तो पहला वार कर ले, पहला वार किया जनाबे हैदर खर्रा ने जवाबी मार किया, मिट्टी का ढेर कर दिया, जब करके बाहर आ गए। इतने में देखा कि अमर इब्न अब्दुद ललकार रहा है और नबी करीम फरमाते हैं ना अली मतलब बह गया रसूल, खतरे का वक्त है, अली की जरूरत पड़ी है, हाजिर है रसूल, बंदा हाजिर है, ये ललकार रहा है। अब जनाब जनाबे हैदर करार उसके मुकाबले में गए तो वो कहता है कि पहला वार तू कर ले, उन्होंने कहा पहला वार अली कर जाए तो दूसरे का चांस नहीं रहता, अगले जो करनी है। अब जब उसने तलवार मारी तो आपने बाएं हाथ की ढाल पे ली और आपकी ढाल में डूब के तलवार वापस जा रही है, तो जनाबे हैदर करार की तलवार का वार उसके हेलमेट से पार हो रहा है, हेलमेट के से पार होकर के खोपड़ी से पार होकर के बॉडी से पार हो गया, जीन से पार हो गया, घोड़े से पार हो गया, सला के अंदर चला गया। वक्त थोड़ा है, नारे से सारा बड़ा मिलता है लेकिन वो वक्त भी खर्च करता है। तो ये नारा सरकार ने पहली मरतबा अल्लाह मुबालगा करते हैं कि एक तलवार के वार से, तलवार के एक वार से हेलमेट भी फट गया, खोपड़ी भी फट गई, बॉडी के भी दो टुकड़े हो गए, जीन भी उसी वार से दो टुकड़े हो गया, घोड़ा भी दो टुकड़े हो गया। ये मुबालगा है, कोई सच्चाई इसके अंदर नजर नहीं आती। और पागल कहीं के बाद को समाज, ये उस दरबार का अली है जिस दरबार में अबाबीलों ने हाथियों को कंकरियां मारी थी, तो छोटे छोटे अबाबील और छोटी छोटी कंकरियां वो जाकर के महंतों के सर पे लगी, तो हेलमेट खुल गए, खोपड़ियां खुल गई, बाडियां दो टुकड़े हो गई, हौदिज फट गया, हाथी के दो टुकड़े हो गए, और जिस दरबार की चिड़िया जो है हाथियों को मार ले उस दरबार का अली। मोहब्बत के बगैर अगर मुझे जन्नत मिल जाए तो कभी ना सकूं।
صاحب رحمۃ اللہ علیہ سبحان اللہ جنہوں نے سنی کانفرنس کی بنیاد رکھی تھی پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سید محمد بہادر پچھوچوی رحمۃ اللہ علیہ ان کا کلام ہے جزائے حب ایسا نار گرما شبما شوقا اگر ان کی محبت کی وجہ سے دوزخ ملے تو خدا کی قسم اس پر راضی ہوں اعلان میں گوئی نترسم مفتی و افتا زبین دل بسوئے کربلا سیدہ کنت سیدہ سید محمد کچوچوی رحمۃ اللہ علیہ کا مدرس کچوچوی رحمۃ اللہ کا کلام ہے اعلان میں گوئی نترسم مفتی و افتا زبین دل بسوئے کربلا سیدہ کنت سیدہ کہتا مفتی اور فتوے سے میں نہیں ڈرتا میرا دل جو ہے وہ کربلا شریف کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتا ہے کربلا بشکنو کرتا سرا ہم چاکن ملا من کہ من دارو رسن خواہم بجر میں عشق عام مولا کہا میرے تو اپنے قلم کو توڑ دے کاغذ کو پھاڑ دے اور مجھے اپنے حال پہ چھوڑ دے میں تو ان کے عشق و محبت کی وجہ سے سولی کا انتظار کر رہا مجھے سولی پسند ہے تیرے فتوے کی مجھے کوئی حاجت نہیں سوار کشتی یہ امت لکل توبا لکل بشرا مبارک باد بسم اللہ مدرحا و مرزا کیا خوبصورت دیکھے تشیع نام گرباشد آج کتنے ڈڈورے پیٹ رہے ہیں کہاں پھر رہے ہو ہمارے اسلاف کیا کہتے تھے اور کیا کہہ رہے ہو تشیع نام گرباشد بلائے آل مورارا خدا بیند خدا دند منم شیعہ منم شیعہ